नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल मस्ती में, जहां पर हम करते हैं सेटों की अनबॉक्सिंग। तो आज भी लेके आया हूं दो स्मार्टफोन जिनकी करेंगे अनबॉक्सिंग एक साथ। तो पहला स्मार्टफोन हमारे पास है रेडमी 6 प्रो, वहीं दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास नोकिया 5.1 प्लस है। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे इनके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दें, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना समय गवाए दोनों की अनबॉक्सिंग को करते हैं स्टार्ट। दोनों ही सेट आते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ। तो पहले हम नजर डालें यहाँ पर नोकिया 5.1 प्लस। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं हम सेट बनाया गया है जिसमें नॉच डिस्प्ले दी गई है, वहीं सेम Redmi 6 में भी दी गई है नॉच डिस्प्ले। अब दोनों के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन साइज नोकिया 5.1 प्लस का 5.86 इंच रहेगा, वहीं Redmi 6 Pro में आपको 5.84 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें यहाँ पर तो नोकिया 5.1 प्लस में आपको 1.8 GHz ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो P60 का प्रोसेसर, वहीं रेडमी 6 प्रो में आपको 2 GHz ऑक्टा कोर का क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलेगा। दोनों में आपको रैम मिलेगी 3GB। तो रेडमी 6 प्रो यहाँ पर 3GB वाला वेरियंट है, तो यहाँ पर इसमें भी 3GB की रैम आपको मिलेगी। इंटरनल स्टोरेज दोनों में आपको मिलेगा 32GB। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर नोकिया 5.1 प्लस में आप 400GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, वहीं रेडमी 6 प्रो में आप 256GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करें कैमरे की, तो दोनों में आपको रियर में ड्यूल कैमरा मिलेंगे जिसमें नोकिया में आपको मिलेगा 13+5 मेगापिक्सल के दो कैमरा, एक 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वहीं आपको Redmi 6 Pro में 12+5 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलेंगे जिसमें पहला 12 और दूसरा 5 मेगापिक्सल रहेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर नोकिया में आपको 8 मेगापिक्सल और Redmi में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में एंड्रॉयड का 8.0 मिलेगा। वहीं OTG की बात करें तो दोनों ही मोबाइल आपका OTG सपोर्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों मोबाइल में मिलेगा। जल्दी से करते हैं आप दोनों सेटों को अनबॉक्स और नज़र डालते हैं इनके डिज़ाइन बिल्ट क्वालिटी पर। तो दोनों ही मोबाइल के बॉक्स को कर दिया है हमने ओपन। तो आप देखते हैं दोनों सेटों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोनों ही बॉक्स में हैंडसेट ऊपर देखने को मिलते हैं। हैंडसेट दोनों के हम रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या कॉन्टेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिम इजेक्टर की दी गई है, सिम इजेक्टर टूल। वहीं आप Redmi में देखें तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर, बाकी यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड। तो ये देखिए यहाँ पर हमें Redmi 6 Pro में एक फ्लेक्सिबल कवर भी मिल जाता है जो कि एक सुरक्षा कवच है मोबाइल का। तो यहाँ पर नोकिया में हमें कवर देखने को नहीं मिलता है। वहीं यहाँ पर देखिए तो ये नोकिया के अंदर यहाँ पर एक और बॉक्स है जिस बॉक्स को खोलने पर हमें यहाँ पर एक हैंड्स फ्री देखने को मिलती है, हैंड्स फ्री नोकिया की। वहीं Redmi 6 Pro में आपको कोई हैंड्स फ्री नहीं मिलती है। तो हैंड्स फ्री को भी देख लेते हैं एक बार। तो हैंड्स फ्री है कुछ इस तरह की नोकिया की, और यहाँ पर दोनों में मिलते हैं चार्जर जो कि 5 वोल्ट के चार्जर हैं, जो कुछ इस तरह के चार्जर हैं। वहीं आप देखें तो एक दोनों में एक एक USB केबल देखने को मिलती है, USB केबल कुछ इस तरह की है, और दोनों में मिलते हैं सिम इजेक्टर की। अब दोनों को सेटों को देखते हैं एक बार। दोनों मोबाइल का साइज है बिल्कुल सेम, यहाँ पर देख सकते हैं हम साइज कुछ इस तरह का है। बैक साइड से देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लुक देखने को हमें मिलता है। तो पहले हम नज़र डालते हैं नोकिया के 5.1 प्लस पर। तो यहाँ पर हमें राइट साइड में पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं। ऊपर की साइड हमें 3.5mm का हेडफोन जैक और यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन का माइक देखने को मिलता है। बॉटम साइड में नज़र डालें तो यहाँ पर हमें स्पीकर्स और यहाँ पर देख सकते हैं हम खुशी की बात, यहाँ पर सी टाइप चार्जर हमें इसमें मिलता है जो कि हमने देखा नहीं था शुरू में। यहाँ पर हम चार्जर देख लेते हैं एक बार। तो चार्जर है यहाँ पर सी टाइप, जो कुछ इस तरह की इसकी टाटा केबल है।
अच्छी बात है, यहाँ पर हमें सी टाइप इसमें मिल जाता है और नीचे दिया गया है साथ ही माइक। और लेफ्ट साइड देखें तो हमें एक सिम ट्रे देखने को मिलती है, जिसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें हमें कितने मेमोरी, कितने सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें आप दो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। बाकी इसमें कोई सिम ट्रे नहीं दी गई है। तो बैक साइड का पैनल देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्क्रैच पड़ गए मेरे हाथ से यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सेंटर में मिलते हैं ड्यूल कैमरा 13+5 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैश लाइट और फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एक गोल सा दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है नोकिया का, यहाँ पर नोकिया दिख रहा है बीच में। वहीं आप रेडमी 6 प्रो देखें तो यहाँ पर रेडमी 6 प्रो में राइट साइड में हमें पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर मिलेंगे। ऊपर की साइड हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर यहाँ पर सेंसर दिया गया है। और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलती है। बॉटम साइड में देखें तो स्पीकर्स, माइक और चार्जिंग जैक, इसमें आपको सी टाइप चार्जिंग जैक नहीं देखने को मिलेगा। बैक साइड देखें तो यहाँ पर कैमरे दिए गए हैं ड्यूल 12+5 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा और बीच में दिया गया है LED फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है यहाँ पर। तो इसकी भी हम सिम ट्रे खोल के देख लेते हैं कि यह अभी हाइब्रिड है या नहीं। तो इसकी सिम ट्रे के लिए खोल दिए हमने और यहाँ पर देख सकते हैं हम, यह हाइब्रिड नहीं है। इसमें आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं एक साथ। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर दोनों सेटों के। बैक साइड देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। तो दोनों सेट हाथ में भी काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो कर देते हैं दोनों सेटों की पावर को ऑन और देखते हैं दोनों सेट के डिस्प्ले। दोनों ही मोबाइल की पावर हो चुकी है ऑन, तो डिस्प्ले देखने को हमें इस तरह का मिलता है। दोनों के हम एक बार कॉन्ट्रास्ट को कर देते हैं फुल, ताकि हम और अच्छे से दोनों के डिस्प्ले देख सकें। तो यहाँ पर हमने दोनों के कॉन्ट्रास्ट को कर दिया है फुल और अब देखें यहाँ पर डिस्प्ले तो कुछ इस तरह के दोनों के आइकन्स देखने को मिलते हैं। और देखिए नोच में काफ़ी बड़ा फर्क है नोकिया का, काफ़ी वाइड एंगल यहाँ पर देख सकते हैं हम, काफ़ी स्पेस है बीच में, जबकि रेडमी 6 प्रो में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। दोनों के नोच को ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं दोनों सेटों के डिस्प्ले। यहाँ पर नोकिया की अपनी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोनों के डिस्प्ले भी मिला के देख लेते हैं, तो दोनों के डिस्प्ले में ज़्यादा कोई अंतर नहीं, बिल्कुल बराबर ही है। और यहाँ पर आइकन्स देखें तो यहाँ पर आइकन्स नोकिया और Redmi 6 Pro में कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। अब कैमरा खोल के देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर कैमरा कुछ इस तरह का दोनों का देखने को मिलता है। और Redmi 6 Pro है और यहाँ पर Nokia 5.1 Plus का कैमरा, दोनों का कैमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार सेल्फी कैमरा भी देख लेते हैं दोनों का, तो फ्रंट सेल्फी कैमरा ये देखिए यहाँ पर नोकिया का और रेडमी 6 प्रो का, ये है कैमरा। यहाँ पर नोकिया 5.1 प्लस के एक कैमरे में एक खासियत दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए नोकिया में आपको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का फंक्शन है, जिसमें ऊपर की साइड बैक कैमरा खुला हुआ है और नीचे की साइड मतलब दोनों कैमरे एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं आगे और पीछे। मतलब जो सेल्फी लेगा वो अपनी फ़ोटो भी खींच सकता है और आगे वाले की फ़ोटो भी खींच सकता है। ये स्पेशल फीचर्स नोकिया 5.1 प्लस में दिया गया है, जो कि रेडमी 6 प्रो में नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सेट आपने देख लिए हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में से आपको कौन सा सेट अच्छा लगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दो क्या क्या खासियत फ़ोनों में है, जिससे औरों को भी मदद मिले, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं क्या क्या बुराइयाँ हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सेटों के बारे में, जिससे औरों को भी मदद मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।